अब आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग, ये रिंग आपकी है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, इस एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, पूरी रिंग है, इसका टोटल चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू है, ये 100 कूलाम, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जब पूरी रिंग में 100 कूलाम है, थोड़े से पार्ट में कितना हुआ तो उसके चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, पूरे में 100 तो छोटे मान लीजिए 5 कूलाम है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसी तरह का पूरे में क्यू चार्ज है तो थोड़े में कितना होगा, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं डी क्यू, तो डी क्यू एक छोटा सा चार्ज है, उस डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी डीई, डीई राइट। कैसे करना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये एक रिंग है, इस पर टोटल चार्ज क्यू था, ये डी क्यू आया, इस डी क्यू के कारण यहां पर जो फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, तो आपको पता है जिस चार्ज से जिस पॉइंट तक फील्ड निकालते हैं वो चलती स्ट्रेट लाइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालेंगे तो मान लीजिए फील्ड आई डीई, क्योंकि चार्ज जब डी क्यू है तो फील्ड भी कितनी होगी, डीई हो जाएगी। उसी तरह छोटा सा पार्ट ये लिया तो ये भी हो गया डीई मान लीजिए, तो ऐसे ये तो अभी दो पार्ट दिए, ऐसे छोटे 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 सारे पार्ट देंगे तो सब जगह डी ऐसे आता जाएगा। इस डीई के दो कंपोनेंट करेंगे अगर मान लीजिए करते हैं, तो ये देखिए जरा, अगर इसका करते हैं दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा तो ये थीटा और ये थीटा तो नीचे ये थीटा। अब आपको पता है बार्बर लॉ समझाया है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तो इस डीई के दो कंपोनेंट, एक साइन एक कॉस, थीटा के पास कॉस होता है तो ये आ गया डीई कॉस थीटा, ये वाला आ गया डीई साइन थीटा। इसी तरह जब इसका निकालेंगे तो ये डीई कॉस थीटा ऊपर डीई साइन थीटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा डीई साइन थीटा से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो अभी तो दो पॉइंट का, जब सारे पॉइंट निकालेंगे आप लोग ना, आप इमेजिन करिए कि आपके पास ये रिंग है और यहां निकालना है, तो सबके हॉरिजॉन्टल तो निकलेंगे इस जगह पर डी कॉस सबके आ जाएंगे, मगर सारे वर्टिकल इस सरफेस के जो वर्टिकल होंगे इस सरफेस के वर्टिकल से कट जाएंगे, यानी डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा राइट। तो सिर्फ बचेगा क्या मेरे पास, डीई कॉस थीटा जो कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर। तो पहले हमको डीई निकालना है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कॉस थीटा के साथ। कैसे करते देखिए जरा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, तो फॉर्मूला हो जाएगा डीई इक्वल के डी क्यू बाई, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आर है, स्मॉल आर, तो दैट इज आर स्क्वायर राइट। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पूरे वायर के कारण, तब क्या करेंगे देखिए जरा, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग एट पॉइंट पी। अब पूरे वायर के कारण जब हमें निकालना है इस पॉइंट पर, मैं फिर बोल रहा हूं सबके डीई के कॉस थीटा यहां पर जाएंगे और डीई के साइन थीटा वर्टिकल होंगे जो दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट बचेगा डीई कॉस थीटा। तो हमें निकालना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, इसका कर दे इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, भाई थोड़े से पार्ट के लिए वैल्यू आई है, पूरे पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, और पूरे पार्ट के लिए क्या करते हैं लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ये शुरू से दिखाया जा रहा आपको। तो ई ऐसे है ना, डी ई की वैल्यू लिखिए के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, देखिए के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा इक्वल टू, ये देखिए थीटा है ये ट्रायंगल है, तो कॉस इक्वल टू बेस बाई हाइपो, तो बेस हो गया एक्स और हाइपो हो गया आर, तो ये हो गया एक्स बाई आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एक्स बाई आर। ओके ई इक्वल टू के डी क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब राइट ई।
देखा जाए तो के एक्स बाई आर क्यू बाहर आ गया, डी क्यू ऐसे रहा, डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू का क्यू, डी क्यू का क्यू इंटीग्रेशन आना चाहिए, जैसे आपको लास्ट इलेवेंथ में सिखाया था डी टी का टी, डी यू का यू, डी वी का वी, तो डी क्यू का क्यू, तो ई इक्वल हो गया के एक्स बाई आर क्यू इंटू आया क्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, कैपिटल जो कि हमारे पास ये है कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ऐसे ही रहा, एक्स ऐसे ही रहा, आर की वैल्यू ये लिखी है। अब आप देख रहे होंगे कि आर की वैल्यू कैसे फाइंड करें, यहां सिखाते हैं आपको, आर इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट अगर ऐसे लगाते हैं तो ये का स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये है 1/2, मगर आपको क्या चाहिए आर क्यूब, अगर यहां क्यूब करेंगे तो ये भी कितना करना पड़ेगा हमें क्यूब, तो इसकी वैल्यू होगी 3/2 करके, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस सेंटर। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ पॉइंट निकालेंगे, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए फिर बताते हैं आपको। तो ये आपके पास फिगर था, ये इसका डेरिवेशन हम निकाल चुके हैं। अब देखिए कुछ इसमें करते हैं एक्सपेरिमेंट। कंडीशन ये है कि इफ एक्स इक्वल जीरो, अगर एक्स जीरो कर दे तो जीरो का मल्टीपल पूरा जीरो जगह, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। एक्स इक्वल टू जीरो करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब है कि जो रिंग है, मान लीजिए रिंग है, तो रिंग के इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज, आपको पता है कि मेटल में चार्ज हमेशा सरफेस पे आ जाते हैं, तो इस ये और ये दो पॉइंट हमारे पास है, तो इसके कारण फील्ड यहां, इसके कारण फील्ड यहां होगी, और बीच में जो सेंटर है, यानी अगर बात करें तो रिंग के इस सेक्टर का, लेकिन रिंग के वापस जाएंगे तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हमारे पास, लेकिन ये जो सेंटर की बात कर रहे हैं, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स को जीरो करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई हमारी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए एक्स बहुत ज्यादा बड़ा होता, यानी ये एक्स की डिस्टेंस ज्यादा होती, ये आर छोटा होता, यानी इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, देन तब क्या हो जाता हमारे पास, तब क्या होता, तो जहां जहां एक्स लिखा है, सॉरी आर को कैंसिल कर देते हम लोग, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है आर को छोटा है, तो आर को लेस कर दे, यानी क्या कर दे, इसको भी नेगलेक्ट कर देते हम, आर विल बी नेगलेक्टेड। इस केस में क्या हो जाएगा, जरा इसको हटा दीजिए, कोशिश करिए, तो कितना बचेगा, ई इक्वल ये हट गया, एक्स स्क्वायर की 3/2 है, 2 कैंसिल, एक्स क्यूब ऊपर एक्स, एक स्क्वायर बचा, यानी बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला अगर गौर से देखो तो ये फॉर्मूला किसका है, पॉइंट चार्ज का, जो आपको सबसे पहले पढ़ा था हमने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है कि रिंग ये है और बहुत डिस्टेंस से देखने पर हमें जो रिंग है एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगी, पॉइंट चार्ज की तरह वो काम करेगी। तो यहां पर ये शो रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर इंटेंसिटी दूर निकाल ली हो, बहुत दूर निकाल ली हो, तो बहुत दूर से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि रिंग रिंग नहीं है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, ठीक। तो आप लोग इसको करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके।